हेलो गाइस, तो गाइस आज हम बात करेंगे स्टार वॉर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे वीडियो की एंडिंग में मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ओके गाइस, तो अपडेट ये है स्टार वॉर्स से रिलेटेड कि स्टार वॉर्स मूवी में एक ऐसा कैरेक्टर है अशोका नाम का, जो कि फीमेल कैरेक्टर है, और डिज्नी प्लस ने अभी हाल ही में डिसाइड करा है कि वो उस कैरेक्टर पे फोकस करेगा और उसके ऊपर एक टीवी सीरीज बनाएगा। बट यहाँ पर आप बोलोगे अशोका कौन है, हमने तो स्टार वॉर्स की मूवी में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। पर रुको, अगर आपने स्टार वॉर्स यूनिवर्स नहीं देखा है तो गाइस आप क्या कर रहे हो, स्टार वॉर्स यूनिवर्स देखो। मार्वल डीसी के अलावा भी और भी यूनिवर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे कहने पे एक बार देखो आप उसके फैन हो जाओगे। अब आप कहोगे कैसे देखना है, तो गाइस ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, मैंने आपके लिए ऑलरेडी पहले बना रखा है। आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर कैसे टाइमलाइन टू टाइमलाइन देखनी है सब चीज मैंने क्लियर ऊपर बताई है उस वीडियो में, तो जाके देखो आई बटन पे वीडियो है। अब स्टार वॉर्स एपिसोड में लाइव एक्शन मूवी के अलावा टीवी सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, और ये सेम चीज कॉपी कर रहा है मार्वल। मार्वल की आने वाली टीवी सीरीज जो होंगी व्हाट इफ, वो भी लाइव एक्शन से कनेक्टेड होगी, और देन हमें उसमें ऑल्टरनेट सीन देखने को मिलेंगे। पर ये आने वाला फ्यूचर है मार्वल का, पर स्टार वॉर्स इसे ऑलरेडी पहले कर चुका है। अब अपडेट ये है कि स्टार वॉर्स का जो एनिमेशन मूवी है क्लोन वॉर, जो कि एपिसोड 2 के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, उसमें एक फीमेल कैरेक्टर था अशोका नाम का। सभी को पता होगा जो स्टार वॉर्स के यूनिवर्स को देख चुके हैं, और देन अशोका कैरेक्टर एक छोटा सा बच्चा था तब, ठीक है। उसे एक यानी जडाई बनना था। अब जडाई उसे एक लाइट सेबर भी चाहिए थी, लड़ना भी था उसे काफ़ी कुछ करना था। तो जडाई बनने के लिए उसे मास्टर योदा भेजते हैं ओबी-वैन के पास। अब ओबी-वैन भी बहुत बड़े एक कह सकते हो गुरु थे, मास्टर थे, जो कि एनिकित को उन्होंने ट्रेन करा था, उसे भी जडाई मास्टर बनाया था। और देन साथ एनिकित को ओबी-वैन सौंप देते हैं अशोका को, पर एनिकित को ये सब अच्छा नहीं लगता है, और वो कहता है कि मुझे इतनी जल्दी एक चेले की ज़रूरत नहीं है। फिर भी धीरे धीरे मूवी में हमें देखा जाता है कि उनमें एक गुरु चेले की रिलेशनशिप बन जाती है, और एनिकित उसे अच्छी तरीके से ट्रेंड कर देता है। और देन इसके बाद स्टार वॉर्स यूनिवर्स में हमें पता चलता है कि इसके ऊपर एक टीवी सीरीज और बन रही है। फिर अशोका के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन करवाया गया, हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ हमें बताया गया, तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये तो रही अशोका की टाइमलाइन और उसके बारे में डिटेल, और देन उसे ट्रेन किन्ने करा, एनिकित ने, और एनिकित कौन बना, स्टार वॉर्स यूनिवर्स का सबसे बड़ा विलेन डेथ वेडर। जी हाँ, बहुत ही कमाल का विलेन है गाइस, एक बार देखना जरूर। अब डिज्नी उसके ऊपर टीवी सीरीज बना रहा है, तो ये तो बहुत ही कमाल का होने वाला है। और देन हमें जानने को मिलेगा कि इस दुनिया में यानी कि स्टार वॉर्स की दुनिया गैलेक्सी में दूसरा जेडाई मास्टर जिंदा है। पहला तो रे है, जो कि स्टार वॉर्स एपिसोड 9 में दिखाई गई थी। अब जो डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज आ रही है, जो कि कनेक्टेड है इन मूवीज से भी, तो हमें सेकंड जेडाई मास्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि लूक स्काईवॉल्कर, लिया मर चुके हैं, और देन रे अभी जिंदा है जिसे अडॉप्ट कर लिया था लूक स्काईवॉल्कर ने, हमने एंडिंग में देखा था पोस्ट क्रेडिट सीन में आप कह सकते हो। और देन अब डिज्नी प्लस की जो टीवी सीरीज आ रही है, और अशोका ऑलरेडी एक जेडाई मास्टर है जिसे ट्रेन करा था डेथ वेडर ने, तो वो भी अब हमें आने वाली अपकमिंग मूवीज में देखने को मिलेगी। और स्टार वॉर्स की फ्यूचर में 3 मूवी आ रही है, 2022 में रिलीज होगी, 2024 में रिलीज होगी, और 2026 में रिलीज होगी। और एक मूवी स्पिन ऑफ बन रही है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे थॉर रैग्नारोक के डायरेक्टर ताकिया वाटीटी। जी हाँ, तो बहुत ही कमाल का होने वाला है स्टार वॉर्स यूनिवर्स। तो गाइस अब बात करते हैं कुछ ऐसे अपडेट के बारे में जो कि बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो सबसे पहला अपडेट है ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटिव और गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से रिलेटिव अपडेट। अब इन दोनों की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है मार्च के महीने में 2021 में। जी हाँ, देन अभी हाल ही में जो अपडेट आया है, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर कोरोना वायरस अगर कम हो जाता है तो शूटिंग जल्दी स्टार्ट होगी और मूवी हमें प्रॉपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डिले बहुत हो चुका है, वैसे भी हर एक मूवी डिले हो चुकी है, और इस साल तो हमारा बिल्कुल बेकार गया, मार्वल फैंस के लिए भी, डीसी फैंस के लिए भी, और हॉलीवुड के जो फैंस हैं जो मूवी देखना चाहते हैं अपकमिंग फेवरेट एक्टर्स की भी, वो सारी की सारी मूवी डिले हो गई। उसके बाद दूसरा अपडेट है बहुत ही कमाल का, तो जो जोकर के फैंस है और जो जोकर एक्टर के फैंस है वॉकिन फीनिक्स के लिए, उनके लिए एक लाइफस्टाइल अपडेट है कि वॉकिन फीनिक्स ने अभी हाल ही में कंफर्म करा है कि उनको एक बेबी होने वाला है। जी हाँ, और देन ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि मूवी देखना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, आप उनके फैन भी होते हो, और फैन होते हो तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये लाइफस्टाइल भी अपडेट बता दिया जाए, जो कि अच्छा था। देन इसके साथ अगला अपडेट है टाइटंस का, तो डीसी की जो टीवी सीरीज है टाइटंस, उसका 3rd सीजन का अपडेट आया है कि उसकी भी शूटिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे कोई रिलीजिंग डेट अपडेट आएगा मैं आपको कंफर्म कर दूंगा।
देन उसी के साथ आपको एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ, जो टाइटंस देखना चाहता है तो हिंदी में है गाइस, नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकता है। उसी के साथ थर्ड अपडेट है बहुत ही कमाल का, वो है बैटमैन से रिलेटिव। अब बैटमैन अपकमिंग जो मूवी आने वाली है डीसी यूनिवर्स की, जो कि जोकर की कंटिन्यूस टाइमलाइन होगी, जी हाँ, जो कि 90s की होगी टाइमलाइन और जोकर की कंटिन्यूस होगी, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है पेंगुइन, जो कि एक विलेन है बैटमैन मूवी का, वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, उनके एक्टर ने ये कन्फर्म करा है, यानी कि बैटमैन मूवी मैं उनका रनिंग टाइमिंग कम होगा और वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो जाती है कि बैटमैन मूवी में हमें और भी विलेन देखने को मिलेंगे, और फिलहाल जो अपडेट आते जा रहे हैं कि कैटवुमैन या काफी सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। देन उसी के साथ अगला अपडेट है बहुत ही कमाल का, सभी ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी होगी और एंडिंग का सीन बहुत ही प्यारा, आयरन मैन का जो क्रेडिट सीन था वो सबके दिल पे लग गया और सभी ने उस वीडियो को सेव करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला। मूवी रिलीज होने के बाद काफी सारे पोस्ट करे, पर अभी ऑल्टरनेट स्क्रीन पे देखिए आप, चारों ऑल्टरनेट अलग तरीके से रॉबर्ट डॉनी जूनियर को क्रेडिट देना जाना था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जी हाँ, पर ये केविन फाइगे ने रिजेक्ट कर दिया, रूसो ब्रदर ने भी रिजेक्ट कर दिया और फाइनल जो हमें देखने को मिला वो मूवी में देखने को मिला। तो भाई क्रेडिट ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, ऑस्कर अवार्ड 2021 वाले पोस्टपोन हो चुके हैं। जी हाँ, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है इस चक्कर में, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से तैयारी भी नहीं हो पा रही है, तो ऑस्कर अवार्ड कैसे कर लेंगे अगले साल, तो पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, जैसी कोई कंफर्मेशन आएगी आपको बता दूंगा। अब आप कहोगे इंपॉर्टेंट क्यों भाई, अभी देखना भी तो कि किस मूवी को किसको ऑस्कर अवार्ड मिला। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो फाइनली एमएक्स प्लेयर पर आ चुकी है स्कारलेट जॉनसन की मूवी रोग नाइट। तो बहुत ही कमाल की मूवी है, कॉमेडी मूवी है और थोड़ा कह सकते हैं थोड़े एडल्ट सीन नहीं है, एक आध दो, ठीक है, बच्चों के लिए नहीं है मूवी, तो जाके देखना एमएक्स प्लेयर पे, आप फ्री में देख सकते हो। आप ये मत कहना कमेंट सेक्शन में कि भाई लिंक प्रोवाइड करवा दो डाउनलोडिंग का, फ्री में जाओ देखो, डाउनलोड करो, मजे लो। उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो वंडर वुमन का एक ऑफिशियली एक नया पोस्टर लॉन्च हुआ बहुत ही कमाल का, जिसमें कि उन्होंने अपना वेपन पकड़ रखा है जो कि सबको सच बुलवा देती है, जैसा कि जस्टिस लीग मूवी में हुआ था। और उसी के साथ अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो मैंने आपको काफी दिन पहले बताया था कि पर्सी जैक्सन ऑफिशियली रिबूट हो रही है और उनके राइटर ने रिवील कर दिया है एक स्क्रीनशॉट, जी हाँ, वो राइट कर रहे हैं उसकी स्टोरी को और पर्सी जैक्सन ऑफिशियली रिबूट हो रही है, तो ये टीवी सीरीज लॉन्च होगी डिज्नी प्लस पर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना, बाय बाय, जा रहा हूं।